हेलो बच्चों क्या हाल चाल आपकी कैसे हैं आप देखो सीमे इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किया है और आपने शायद सुना भी होगा कि वो एग्जाम को ऑनलाइन मोड पे लेंगे जिन बच्चों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है वो घर से एग्जाम दे पाएंगे और जिन बच्चे के पास नहीं है वो सेंटर में जाके एग्जाम दे सकते हैं ये कैसे कंडक्ट करेंगे क्या करेंगे ये सारे विषय जो है ये मेरा और आपका नहीं है ये इंस्टीट्यूट का है उनको सोचने दीजिए मुझे आपसे जो एक्सपेक्टेशन है या फिर ऐसा कह दो कि जो अभी के टाइम पे आपको करना चाहिए वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत जो आप करते जा रहे हैं और एग्जाम से एक महीना डेढ़ महीना पहले जिस मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है उसी को कंटिन्यू करना न कि आपके दिमाग में सवाल उठे कि कैसे एग्जाम होगा क्या होगा एम सी क्यू क्वेश्चन आएगा तो फिर कैसे अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि मैंने तैयारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन से की है एंड बहुत सारी बातें मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखो अगर कोई बच्चा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी किया बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना अगर कोई बच्चा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी किया है तो ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर में आने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगा परेशानी तब होती है अगर मान लो आपने एम क्वेश्चन की तैयारी की है और आप सब्जेक्टिव में शिफ्ट होते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है इसलिए ये जो इतना हल्ला जब डाउट फिशिंग के टाइम पे आता हूँ तो कम से कम ढाई तीन सौ बच्चों का सिर्फ ये मैसेज डेली आता है कि सर आपने आ, कुछ वीडियो नहीं बताया क्या करूँ मैं एम सी की क्वेश्चन एग्जाम आ गया तो क्या करेंगे ऐसे तो इंस्टीट्यूट को इस बात को डिक्लेयर उसी टाइम पे कर देना चाहिए था जब ये नोटिफिकेशन निकालते हैं कि भैया एग्जाम का पैटर्न क्या होगा कैसे होगा कैसे कैसे हम एग्ज़ाम लेंगे ना कि इतना डायलमा देना चाहिए था बट वो कुछ लोग हैं जो इंस्टीट्यूट में बहुत बड़े लोग होते हैं उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है और वो ऐसे काम करते हैं तो हमें उस पर नहीं जाना है हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अभी अगर एग्जाम एग्जाम तो होगा गई पक्का है जहां तक मेरा मानना है एग्जाम होगा और बिना किसी डाउट के एग्जाम होगा तो ये फालतू की बातों में सोचने पे फालतू के बातों में दिमाग लगाने के बजाय आप अपने तैयारी कीजिए मैं बता देना चाहता हूँ एग्जाम में पैटर्न क्या हो सकता है क्योंकि अभी हम लोग संभावना ही सिर्फ लगा सकते हैं ये इंस्टीट्यूट की गलती है मेरे बच्चे उनको इस बात को जब नोटिफिकेशन आता है उस समय ही डिक्लेयर करना चाहिए था सारे पेपर में लेकिन वो आधा काम अभी किए या कह दो कि दो परसेंट काम अभी किए और नाइन्टी एट परसेंट काम अभी आगे करेंगे तो वो आपको डायलोमा में डाल के छोड़ के चले गए जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं तो हमारा हमें हमें हम, हम, हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि इंस्टीट्यूट ना उसी तरीके से बिहेव करे बट एनीवे anyway, अभी समय यह नहीं है ब्लेम करने का ये कुछ करने का मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करते चले जो बच्चा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी किया है उसको एमसीक्यू आने में कहीं भी तनिक भी देरी नहीं है तनिक भी परेशानी नहीं है तो आप चिंता ना करो उसके बारे में एग्जाम का पैटर्न क्या हो सकता है मैं आपको बता दू हो सकता है कि एक बड़ा क्वेश्चन जैसे 16 मार्क्स में 12 मार्क्स में टेन मार्क्स में जैसे पहले आता था वैसे ही क्वेश्चन आएगा अब उस क्वेश्चन के अंदर में क्या होगा पांच छे उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्रिएट कर दिए कि इसका बैलेंस कितना आएगा या इसका टोटल कितना आएगा कुछ इस तरीके क्वेश्चन भी आपके इसी पैटर्न निकल के आएंगे तो मेरा कहना है कि अगर ऑब्जेक्टिव आता भी है ना तो ये आपके लिए बहुत 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 अच्छे रहेगा बहुत अच्छा रहेगा सब्जेक्टिव में मैं देखता हूं कई सारे बच्चों के जिन्होंने आंसर बिल्कुल सही किया हुआ है उसको भी वो क्रॉस कर देते हैं पता नहीं किस किस से कॉपी चेक कराते मुझे समझ में नहीं आता लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसे चांसेज नहीं होंगे ऑब्जेक्टिव में क्या अगर आपका सही है तो आपको मार्क्स मिला तो आप इंजॉय करो इस चीज को यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है और इंस्टीट्यूट से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ फालतू में जो टाइम बर्बाद कर रहे हो ना बच्चों का इससे अच्छा है कि थोड़ा आप लोग टाइम अपना यूज करके और इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है ना आप उसको सही करो पहले आप ये बच्चे जो कोचिंग क्लासेस नहीं ले सकते हैं जो खुद पढ़ाई करना चाहते हैं उन बच्चों को परेशानी होती होती है हम टीचर्स को भी होती है कई सारे ऐसे टॉपिक्स है आपके अकाउंट्स की बात कर रहा हूं टैक्सिंग लॉ में क्या होता होगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है बट अंदाजा लगा सकता हूं कितना ब्लैंडर मिस्टेक वहां भी होता होगा अकाउंट्स के अंदर में चाहे वो फाउंडेशन लेवल हो चाहे आपका इंटर लेवल हो चाहे फाइनल लेवल हो इतने सारे मिस्टेक्स इनके बुक में है इतने सारे मिस्टेक्स है कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना बड़ा इंस्टीट्यूट इतना बड़ा ब्रांड लेकिन इतने सारे मिस्टेक्स होना समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे स्टडी मटेरियल पे काम क्या हो रहा है कई सारे ऐसे प्रोविजन हैं, से, सेक्शन हैं, से, जो कि आउटडेटेड हैं। आज से एक साल डेढ़ साल दो साल पहले खत्म हो चुके हैं उनका कोई रोल ही नहीं है लेकिन वो भी पढ़ाया जा रहा है इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल को अपडेट करने के बारे में नहीं सोचा वो सोचते है कहा है कि हाँ जी हम एग्जाम दिलाएंगे अब कैसे दिलाएंगे डायलमा में पता नहीं हम बताएंगे आपको सस्पेंस आ गया यार बड़े इंस्टीट्यूट है हम लोग इतनी मेहनत करते हैं इतना हमारा एक अच्छा ब्रांड है मार्केट में और इस तरीके का बिहेवियर बहुत गंदा है बच्चों के साथ और खासकर उन बच्चों के साथ जो खुद मेहनत करना चाहते हैं बट एनी अभी अभी इन सब चीजों का टाइम हमारे पास नहीं है आप लोग मेहनत कीजिए प्रॉपर तरीके से और इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं ना जो काउंसिल में बैठे हुए हैं वो उनसे एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कम से कम आप अपने स्टडी मटेरियल को अपडेट कीजिए ब्रांड हमारी जब बढ़ती है ना जब ब्रांडिंग होती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे चीजों में चेंजेस लाने होते हैं हमें ब्रांड के साथ अपने आप को मैच करना होता है सिर्फ फोटो खिंचवाने से फोटो खींचकर फेसबुक पे पता नहीं कहा अपलोड होते हैं कि ये क्या बकवास चीज़ें हो रही है आज के टाइम पे अरे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हमारा बेस होता है। मैं फाउंडेशन लेवल की बात कर इंटर ग्रुप वन का इंटर ग्रुप टू का चाहे फाइनल का सी की बात कर लू कहीं भी इनका स्टडी मटेरियल अप टू तो डेट नहीं है ना वो स्टैंडर्ड का है जो हमारे डिग्री की जो वैल्यू है उसके स्टैंडर्ड का तो खैर एनी वे कोई बात नहीं जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसको अभी तरीके से चलें और हाँ ये थोड़ा गुस्सा निकल गया पता नहीं ऐसा क्यों मैं कभी करता नहीं लेकिन ध्यान रखना अभी आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है चाहे वो कितने भी आउटडेटेड क्यों ना हो क्योंकि इनका जो आ, मार्किंग होता है जो ये आपका कॉपी चेक करते हैं उसी के बेस पे करते हैं तो बच्चे मार्केट में कोई भी आपका रूमर अगर आपको दिमाग में दिखता है तो आप दिमाग को शांत करके अपने स्टडी मेटल को फॉलो कीजिए मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं बाकी फैकल्टी आपके जो अपने हैं वो आपको बताएंगे दूसरी बात कि अभी के टाइम पे आपने क्या करना है कि बिल्कुल दिमाग को शांत करते हुए बिल्कुल दिमाग को शांत करते हुए जिस तरीके से पढ़ाई को आप कंटिन्यू करते हैं कीजिए और फिर आप एग्जाम को दीजिए आपका एग्जाम अच्छा जाएगा बहुत अच्छा जाएगा ठीक है ना अभी हमें पॉजिटिव नोट पे काम को खत्म करना है और अच्छे तरीके से एग्जाम देना है ये तो लगभग पक्का है लगभग पक्का ये भी कि एग्जाम इस पर होगा इसलिए ये माइंड में मानते हुए कि एग्जाम होगा और हमें एग्जाम देना है आप इसकी तैयारी कीजिए आप सबको बच्चे ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू थैंक यू बच्चो थैंक यू जी थैंक यू